अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैर खैर से होंगे। दोस्तों आज हमारी एक मुर्गी ने अंडा दिया था। मैं सोचता हूँ कि ये अंडा उस मुर्गी के नीचे रख दिया, जो हमने कल मुर्गी ब्लैक वाली बिठाई थी अंडों के ऊपर उसके नीचे रख दिया था, ताकि ये इसमें से बच्चा निकले और मजीद बच्चे ज़्यादा निकल जाए। मैं ये अंडा जाकर ना उस मुर्गी के नीचे रखता हूँ। दोस्तों मैं खुडे के पास आ गया हूँ, खुडा खोलता हूँ, उसके अंदर एंटर होते हैं। ये मैं एंटर हो गया हूँ अंदर, और वो देखे वो सामने मुर्गी बैठी हुई है। ये देखें, ये हमारा हीरा मुर्गा भी खड़ा हुआ सामने। अब मैं जाके वो मुर्गी के नीचे ही अंडा रखता हूँ। दोस्तों अंडा तो ये देखेंगे मैंने ऊपर ही रख दिया, सामने रख दिया, देखिए नजर आ रहा होगा आपको। ये अब मैं इसके नीचे थोड़ा सा उठाता हूँ इसको, ताकि इसके नीचे अंडा चल जाए। दोस्तों मैंने नीचे अंडा रख दिया है, वो ऊपर बैठ भी गई है। अब हम बाहर चलते हैं। दोस्तों मैं केस से बाहर आ गया हूँ, अब मैं अपने चूल्हों के पास जाता हूँ। चूल्हों के पास जाता हूँ, उनको भी देखते हैं उनको भी क्या सूरत हाल हो रहा है। दोस्तों मैं चूल्हों के पास आ गया हूँ, ये देखें इनको मैंने दाना पानी तो सुबह से डाल दिया हुआ है, देखें सब में डाल दिया हुआ है। अब इनको जरा थोड़ी देर हम छोड़ते हैं, जरा घूम फिर लें, लेकिन हमारे हम खाने के लिए इनके लिए कुछ चीज़ नहीं लाए हुए। दोस्तों अब इनको हम थोड़ी देर छोड़ते हैं, ताकि थोड़े से घूम फिर लें। खाने के लिए हम इसके लिए कोई चीज़ नहीं लाएंगे। ये देखिए मैंने दोबारा खोल दिया, वो निकल आया भाई, ये देखें वो देखें कैसे खुश होते हैं घूमते फिरते हुए, ये देखें। और दोस्तों मैं बाकी भी छोड़ने लगा हूँ, ये वाले जो ये रह गए हैं ना, उनको भी मैं छोड़ देता हूँ, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, इसको भी छोड़ दिया। ये चूहे मारता है, देखें मुझे मेरे से लड़ता है ये। और दोस्तों ये जो हमारे ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स हैं ना, इन्होंने माशाल्लाह से 5 से 6 अंडे दे दिए हुए हैं। और ये ऊपर देखें फीमेल कैसे केयर कर रही है, बहुत ज़्यादा फीमेल केयर कर रही है। इनको मैंने सुबह से पंखा लगाया हुआ था, मैंने अभी वीडियो बनाने की वजह से मैंने इधर बंद करके पीछे रखा। और ये देखें गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, मगर ये देखें हमारे जो फिंचीज हैं, ये इनका पेयर बन गया, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी अंडे बच्चे दे देंगे, इनके भी बच्चे देखने को इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। और दोस्तों ये देखें जो हमारे लवबर्ड हैं, देखें बॉक्स के अंदर गए हुए हैं सब। ये देखें मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, ये अब बाहर निकलेंगे। ये देखें वो देखें अभी बैठे हुए सामने, कितनी मज़े से बैठे हुए हैं अभी वो अंदर। ये देखें एक वो अंदर घुसा है, वो देखें अंदर कैसे बैठे। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ये अंडे अंडे भी देंगे और बच्चे भी निकाल लेंगे, क्योंकि नेस्टिंग में किया देखें नीचे आपको नज़र आ रहा होगा पूरा पूरा है, और अंदर भी जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द ब्रीड ये भी कर देंगे। और दोस्तों ये जो हमारे ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स हैं ना, ये देखें इनके पास सुबह ही दाना वगैरह डाल दिया था, सब कुछ डाल दिया, पानी भी है इनके पास। और ये जो आपको ये वीडियो में एक मेल नज़र आ रहा है, उसके साथ की ये येलो फीमेल है ना, उसके साथ ही बैठी होगी, वो देखें। दोस्तों ये अंडों पे हैं, मगर ये अंडे नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, मगर मेरा दिल करता है मैं इसको दे दूँ, मगर फिर मैं कहता हूँ हमारे पहले बर्ड्स बहुत कम है। तो हमारे सेट पे बहुत ज़्यादा रैबिट भी आ जाएंगे, हमने वो देख लिए, हमें बहुत पसंद आए हैं, पर्शियन टाइप रैबिट्स हैं, और बहुत ज़्यादा हम वो ले भी आएंगे, हमने बाय भी कर लिए हैं, इंशाल्लाह वो कल परसों तक आ जाएंगे। दोस्तों फिर वो हम ले आएंगे अपने सेटअप पे, और उनका जो केज बनाना है ना, वो हम यहाँ पे बनवाएंगे, उनका केज यहाँ पे इस जगह पे मैंने बनवाना है केज उनका, जिसमें हम मट्टी वगैरह डाल के उनको छोड़ दें और वो खुश हो जाएं। दोस्तों जब तक वो केज नहीं बनेगा, तब तक हम इस केज में रखेंगे, ये जो लोहे वाला आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें हम केज में रखेंगे, क्योंकि मैं लकड़ी में नहीं रख सकता, क्योंकि लकड़ी वो मैंने सुना के खाते हैं। दोस्तों आपने कमेंट में ज़रूर बताना कि रैबिट लकड़ी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, वो ख़राब तो नहीं करते लकड़ी को, वरना हम लकड़ी वाले केज में रख लेंगे। दोस्तों मैं अब ये छोटे चिक्स छोड़ने लगूँ, ये देखें मैंने गेट उसका खोल दिया, वो देखें कैसे बाहर निकले हैं, वो देखें वो चले गए हैं, वो जा रहे हैं, वो देखें दोस्तों वो नीचे चले गए हैं उसके। ये देखें ये केज के नीचे नीचे घूमते रहते हैं सारा दिन, वो देखें मैंने अभी थोड़ी देर धूप जो तेज़ थी मैंने फिर बंद कर दिए थे। अब ये देखें ये भी जो हमारा ये जो है ना मुर्गा, ये भी उनको मारता है, इसलिए मैं इनको बंद करता हूँ फटाफट। दोस्तों मैंने सारे ये देखें ये चूहे जो हैं मेरे, ये मैंने बंद कर दिए हैं सारे, क्योंकि ये हमारे जो ये छोटे चूहे घूम रहे हैं ना, ये इनको मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं। ये देखें ये भी मेरे से सारे खेलने लग जाते हैं, देखें सारे ना खेलते हैं, डरते ही बहुत ज़्यादा, मगर अभी मैंने ज़्यादा थोड़ी देर मैंने बंद किए, वैसे अब मैंने ज़्यादा थोड़ी देर खोल दी हैं, अब मैं सारे शाम को आगे बंद करूँगा इनको। और दोस्तों अब मैं थोड़ा दूसरे साइड पर जाता हूँ। दोस्तों जो ये हमारा जो वाइट वाला मुर्गा है ना, ये वाला दोस्तों जो इसकी मुर्गी है ना, ये अंधी हुई हुई है, तो इसको मैंने ड्रॉप डाल तो मगर अभी तक सही नहीं हुई, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द सही हो जाएगी। और दोस्तों मैं अगले केज की तरफ आ गया हूँ, मैं अंदर एंटर होता हूँ और आपको अंदर का भी दिखाते हैं, इनको क्या सिस्टम है देखता हूँ अभी। तो मैं अंदर तो आ गया हूँ, ये देखें जो हमारी ये जो देसी मुर्गी है ना, ये भी अब माशाल्लाह से अंडे स्टार्ट कर दिए इन दोनों मुर्गियों ने भी, अब ये अभी रोज़ का अंडा एक दे देती हैं। दोस्तों इन दोनों मुर्गियों का आज तो अंडा नहीं आया, मगर इंशाल्लाह कल एक अंडा आएगा,
वो हम उठा लेंगे। दोस्तों अब मैं दूसरे गेट में चला गया हूँ। ये दोस्तों ये जो हमारा शाम मुड़ गया ना ये वाला दोस्तों, इसके ना पाँव के नीचे ना जख्म हो गया। ये ना उस दिन द्वार के ऊपर चढ़ा था, तो वहाँ से जब इसे छलांग नीचे मारी इसके पाँव के नीचे जख्म हो गया, तो उसके भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी सेट हो जाएगा। और ये जो मुर्गी है इसने आज अंडा नहीं दिया और बहुत जल्दी अब कल अंडा इंशाल्लाह देगी। और ये देखिए मैंने जो है ये मैंने गीली की है, इसके ऊपर जाए बैठ जाते हैं। अब ज़रा देखें गर्मी इनको कम लगती है इससे, देखिए इनके मुँह अब बंद है फुल फुल, सब केज खुला। देखें देसी मुर्गी हमारे बाहर चले गए, वो घूम रहे हैं सामने जाके सारे तीनों, वो बाहर जाके घूम रहे हैं। इन्होंने ऐसे ही छांग मार ली बाहर प्लॉट में, इनको उससे पहले छांग मारे मैं इनको बंद करता हूँ। और दोस्तों तो आज ये वाली मुर्गी ने हमारे अंडा दिया था जो हमने डेट लिख के ब्लैक वाली मुर्गी के नीचे रख दिया है। और दोस्तों अब मैं दूसरे केज में जाता हूँ, उनके भी सूट है, उनको भी मैंने देखा ना दाना पानी डाल दिया हुआ है सुबह से। तो मैं दूसरे केज में एंटर हो गया हूँ। ये जो हमारा हीरा मुर्गा है इसको भी मैंने देखा सुबह, इनको भी दाना वगैरह डाल दिया था, लेकिन नीचे भी इनको थोड़ा सा डाला था, वो मुर्गी खा रही। अब वो खा के मैं देखे दोबारा जाके बैठ गई है, अभी खा रही थी थोड़ी देर पहले। और तो अभी के लिए इतना ही, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। अभी के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।